नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव बामिक और प्रदेश उपाध्यक्ष रामजीलाल विद्यार्थी के नेतृत्व में आज एसएफआई नेहा बिष्ट का पुतला दहन किया गया। सफाई मजदूर संघ ने एनजी रोड बामिक वाटिका पर नेहा बिष्ट का पुतला दहन किया। जिस तरह से ताजगंज वार्ड में हो रहा है सफाई मजदूर संघ के साथ शोषण और अत्याचार के विरोध में यह पुतला दहन किया गया। सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव बामिक का कहना है कि अगर इसके बाद भी नेहा बिष्ट द्वारा सफाई मजदूर संघ की एब्सेंट वापस नहीं ली जाती है तो सफाई मजदूर संघ से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस आंदोलन में गौरव बामिक, रामजीलाल विद्यार्थी महानगर अध्यक्ष विक्रम चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। नाम राकेश चौधरी है और राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का मैं प्रमुख प्रदेश महामंत्री हूँ। ये ताजगंज में एक नई एसएफआई आई है अभी कुछ एक डेढ़ माह पहले, नेहा बिष्ट जी, जिन्होंने अपना तानाशाही रवैया अपना रखा है, टेढ़ाशाही रवैया अपना रखा है और सफाई कर्मचारियों को तरह तरह से वो उनको दंडात्मक पीड़ित कर रही हैं। उनके खिलाफ़ आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ ने यहाँ पुतला फूंका है। सफाई मजदूर संघ के तत्वावधान में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय रामजीलाल विद्यार्थी, बड़े भाई राकेश चौधरी जी, जिला अध्यक्ष विकास सागर जी के नेतृत्व में यह ताजगंज वार्ड में सफाई कर्मचारियों के साथ हो गए शोषण के विरोध में चरणबद्ध तरीके से आज एसएफआई नेहा बिष्ट जी का पुतला यहाँ दहन किया गया और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है। अगर इसके बाद भी अगर नेहा बिष्ट जो है वो सफाई कर्मचारियों की जो एब्सेंट लगाई हैं उनको प्रेजेंट में नहीं बदलती हैं, जिन कर्मचारियों के काम से उसे हटाया है उसको नहीं लेती हैं और इसके अलावा जो महिला सफाई कर्मचारियों को वो सुबह 5 बजे कामों पर बुला गई हैं, अगर वो अपना ये आदेश नहीं बदलती हैं तो राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी नगर निगम के साथ। देखिए, राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ ने कहा कि वो जो है एक नई तरीके की नगर निगम बनाना चाहती हैं। सचिन निर्मल नाम का एक संविदा कर्मचारी जिसके आदेश 20/6/2020 को हुए हैं कि उसको भविष्य में किसी प्रकार की सुपरविजन नहीं दिया जाएगा, लेकिन नेहा बिष्ट ने उनसे मोटी रकम लेकर उनको 3 जगह की सुपरवाइजरी दी है जिसमें लगभग 80 सफाई कर्मचारी हैं। एक चंचल नाम का कर्मचारी है उसको और उसके भाई काले को भी इन्होंने वहाँ सफाई नायक बना दिया है। तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो इस बात को लेकर है कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम अपना सड़कों पर उतर के और आंदोलन करने के लिए बात दूंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन।